हाय भैया। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आजकल तुम्हारी सुबह रात को ही होती है। भाभी अच्छी खुशबू आ रही है। बिरयानी बनाई है। वाओ, आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम्हारा ग्रेजुएशन पास करना कोई कम खुशी की बात है क्या? हम दोनों तो इस दिन का कब से वेट कर रहे थे। क्यों शर्मिंदा कर रही हो भाभी, 4 साल लग गए ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने में। हाँ तो क्या हो गया, कम से कम तुमने ग्रेजुएशन कम्प्लीट तो किया और इस बात के लिए पार्टी तो बनती है। पहले यहाँ आइए। कहाँ? आइए ना। क्या कर रहा है भैया? आप ही आइए। कहाँ ले जा रहे हो? कितने सवाल करती हैं, यहाँ बैठ जाइए। सरप्राइज। थैंक यू, इट्स सो प्रिटी, है ना राजी? क्या देख रहे हो राज? भैया मुझे जहाज पर जाना है। तुम्हें उस जहाज पर क्यों जाना है? मैं जब भी मम्मी पापा के बारे में पूछता हूँ आप कहते हो वो वहाँ रहते हैं, चलो उनसे मिलते हैं। तुम मेहनत करके खूब पढ़ाई करो, एक दिन इंजीनियर बनना और एक बड़ा जहाज बनाना, उसमें हम मम्मी पापा को मिलने जाएंगे। इंजीनियर? पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है भैया। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। जब भी मैं मम्मी पापा से मिलने की बात करता भैया जहाज बनाने के लिए कहते, लेकिन मेरे असली माँ बाप तो आप दोनों ही हैं भाभी। तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते, इंडिया वापस मत जाओ प्लीज। भाभी मैंने कहा था ना ग्रेजुएशन के बाद इंडिया चला जाऊंगा, प्लीज मुझे मत रोकिए। सॉरी, आप रोइए मत, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। रहने दो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे ही फेवर के होंगे। सिंपल है भाभी, आप भी मेरे साथ इंडिया चलिए, भैया हम दोनों के बिना रह नहीं पाएंगे और अपनी जॉब छोड़कर पहली फ्लाइट से इंडिया आ जाएंगे। अगर मैंने जॉब छोड़ी तो वो जान ले लेंगे मेरी। क्या भैया, कोई ऐसा झोल करो कि वो खुद ही निकाल दें। पैक कर दीजिए। कब तक शॉपिंग करोगी भाभी? जब तक शॉप बंद नहीं हो जाती। वो दिखाई। What? Sir, you're not supposed to be here, sir. मुझे skating सीखनी है. Please speak in English, sir. I mean, I want to learn how to skate. How do I go about it? You have to leave now. This girl, is she an instructor or is she a student? Hey, साले खजूर तेरे चक्कर में लड़की चली गई. Where is she? You need to contact our office. Who's your boss? Sitting, hugging, kissing. You are the best employee. तो पहली वाली सेक्रेटरी कैसी थी? एथलीट थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी भागी कि अभी तक नहीं लौटी। तो आपने उसे पकड़ा नहीं? नो नो, अच्छा हुआ भाग गई। उसके भागने से मेरी एक महीने की सैलरी बच गई। सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए।
सैलरी बढ़ा दूं? क्योंकि आपके कामकाज के अलावा मुझे ऑफिस का भी कामकाज देखना पड़ रहा है। ओके ठीक है। चॉकलेट? नो। अरे ले लो। नो। सैलरी से नहीं काटूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या है? एक्चुअली सर, मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। देख नहीं रहा कि अभी प्राइवेट इंटरव्यू चल रहा है? क्या देख रहा है? ये जो गोद में बैठी है आपकी बेटी है? बेटी? मेरे जैसा जवान आदमी की इतनी जवान बेटी कैसे हो सकती है? अभी बहुत काम पेंडिंग है, तू निकल, गेट आउट। सोफा पर चले, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। कंटिन्यू। मॉर्निंग शो देखने आए हो क्या? एक काम कर, कुर्सी आगे खींच के 70 mm पर्दे के सामने कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लेकर पिक्चर देख चल, निकल। सर गेट आउट। फूल खिला नहीं मुरझाने आ गया। डार्लिंग बना रहा है, मेरे MMS बनाकर तो न्यूज चैनल वालों को बेचेगा ताकि वो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीवी पे बार बार दिखाए। आज तक कोई मेरे टकले का एक बाल भी बाका नहीं कर सका। ओके, मुझे ब्लैकमेल करने की सोचेगा तो तेरा थोबड़ा ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा। मेरा थोबड़ा क्या ब्लैक बोर्ड है जो ब्लैक एंड व्हाइट करोगे? इस कन्या के साथ जरा बिजी हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ। धमकी देंगे तो इसके हस्बैंड के पास जाऊंगा। क्या कहा? इसके हस्बैंड के पास? वो क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ेगा नहीं, उखाड़ेगा। क्या उखाड़ेगा? मैं कोई पोल हूँ? उखाड़ लेगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कपूर जी, चॉकलेट कपूर जी। ऐसी बात है तो पहले बोलना चाहिए था ना, पता होता तो ये रेलवे ऑफिसर तुम्हें तत्काल काम पे रख लेता। अभी अभी क्या बोल रहे थे वो, बिगाड़ लेगा? नहीं नहीं, मैं आपके लिए कटिंग चाय बनाने की बोल रहा था। ओ, दुश्मनी महंगी। मेरे पास बालों की कंघी नहीं है, बोला मच्छर जैसे मसल। मच्छर ताली बजा के मारने चाहिए ऐसे। चाय कॉफी क्या लेंगे? ज्यादा कुछ नहीं है, एक लड़की यहाँ रोज सुबह स्केटिंग करने आती है, उसका एड्रेस लूंगा। सिक्योरिटी प्रॉब्लम सर, नहीं दे सकता। कैन यू गिव मी योर हस्बैंड्स? अरे रुक जा, हस्बैंड नहीं, एड्रेस, फोन नंबर, साइज, वेट सब बताइए। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारे डैडी की एक बिजनेस पार्टी है और मुझे उसे अटेंड करना ही पड़ेगा। तुम तो उन्हें जानती ही हो, हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। Priya, your dad is calling you. आखिर आत्महत्या क्यों की थी मम्मी ने? Profits are okay. Dad? Just wait. Five industries, business around 5,000 crores, Mr. Amit. खानदानी लड़का है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। जनरली ऐसे लड़के 10,000 करोड़ वाली फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं। You're lucky, जो वो शादी के लिए तैयार हो गया। Dad? 2 दिन बाद वो तुमसे मिलने आएगा, just for 10 minutes only. उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। अगर मुझे पसंद ना आया तो? उससे फर्क नहीं पड़ता। कहाँ मिलेगी? मिल गई। किसी को मारने जा रही है या खुद मरने जा रही है?
हाय। पानी बहुत गहरा है, कूदोगी तो 100% डूब जाओगी। मरने का बेस्ट तरीका, लंग्स में पहले पानी भर जाएगा, हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, 2-3 मिनट में सीधे ऊपर। तुम कौन हो? अरे वाह, सुसाइड करने से पहले जान पहचान बढ़ा रही हो। सुसाइड? किसने कहा कि मैं सुसाइड कर रही हूँ? कैसी लड़की हो, कम से कम मरने के वक्त तो झूठ मत बोलो। मैं क्यों मरूंगी? वैसे मुझे इतना तो बता दो, तुम्हारी बॉडी किसके हवाले करूँ? देखो मेरे पास मत आना। मॉम, डैड या लवर? नहीं नहीं, लवर तो नहीं होगा। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, देखो वही रुक जाओ। तुम्हें नहीं लगता ब्रिज से कूदना ज्यादा अच्छा? पागल खाने से छूट कर यहाँ आए हो क्या? जोर से दबाओगी तो पानी की जगह दिल बाहर आ जाएगा। आ तो नहीं गया ना? क्या मतलब? तुमने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली प्लानिंग थोड़ी गलत हो गई। मैंने सोचा कि तुम अपने होठों से मेरे होठों को चूमकर हवा भर दोगी, पर तुम तो वो छी छी। क्या तुम फिल्में नहीं देखती? तुम्हें तैरना नहीं आता तो कूदे क्यों? तुम जैसी खूबसूरत लड़की अपनी जान देने की कोशिश करे और मैं उसे ना बचाऊं, ये कैसे हो सकता है? और मुझे क्या पता कि पानी इतना गहरा होगा, वो तो कूदने के बाद याद आया कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। गधा कहीं का। Ha ha ha.